ये चैप्टर है 14.1। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी 25 मोहल्ले हैं, 25 मतलब 25 परिवार हैं, 25 परिवारों में हर परिवार की कितनी दैनिक व्यय है यानी इनकम जो है वो दर्शाती है इस आंकड़े में। सो यहाँ है परिवारों की संख्या और ये दैनिक व्यय यानी इनकम है। मतलब चार परिवार हैं जिनका दैनिक व्यय लगभग 100 से 150 तक है। वैसे ही 12 परिवार हैं जिसका इनकम लगभग 200 से 250 है। वैसे दो परिवार हैं जिनका इनकम है 300 से 350। तो हमें माध्य निकालना है कि माध्य दैनिक व्यय निकालना है कि एक परिवार का लगभग कितना दैनिक व्यय हो सकता है, उन्हें हमें माध्यम निकालना है। सो ये तो दिया ही हुआ है, दैनिक व्यय दिया हुआ है एंड F1 भी दिया हुआ है परिवारों की संख्या। सो हमने यहाँ X1 निकाल लिया है। सो X1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 250 आएगा। फिर उसको 2 से भागा देते हैं तो हो जाएगा 125। सो यहाँ देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल कितने का है, 50 करके वर्ग अंतराल है यानी 50 करके बढ़ा है। पहले 100 था, फिर 50 बढ़ा 150, फिर 50 बढ़ा 200, फिर 50 बढ़ा 250, फिर 300, 350, यानी 50 50 करके बढ़ रहा है, 50 50 करके। सो यहाँ भी हम अगर 50 50 करके बढ़ा दें तो S1 की जो श्रृंखला है वो पूरी हो जाती है। 50 करके बढ़ा 175, 225, 275, 325। अगर आप लोगों को डाउट होता है तो यहाँ कंफर्म कर लीजिए, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यानी 650, फिर 2 भागा देंगे, 650 को 2 से भागा देंगे तो आएगा 325। अब निकालते हैं F1 X1, गुना करेंगे 500, 125 को 4 से गुना किए 500, 175 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 875, 12 को 225 से गुना करेंगे तो आएगा 2700, 275 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 550, और 325 को 2 से गुना करेंगे 650। फिर इनको जोड़ना है यानी सिग्मा F1 X1 निकालना है। तो इतना हो जाएगा यानी 5275। इन सबको प्लस किए तो अब क्या निकालना है हमें, माध्य दैनिक व्यय यही निकालना है। माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला F1 X1 बटे F1। F1 तो नहीं निकाले थे, यहाँ होगा 25 क्योंकि कहा गया था कि 25 परिवार हैं। सो F1 X1 बटे F1 कितना है, 5275 बटे 25, कट जाएगा 211 से यानी 211। मतलब लगभग मतलब एक परिवार का दैनिक व्यय मिनिमम 211 रुपये है। इसका आंसर निकल गया 211। और ये था क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर था 14.1। सो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।